एक रिसर्चर की ज़िंदगी में ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आते हैं जब उसे अपना रिसर्च वर्क एक्सप्लेन करना होता है, या तो अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी में या फिर एक जनरल ऑडियंस के सामने, जैसे कि रिश्तेदार, घर वाले, ये सब हो सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे कि आप काफ़ी आसानी से एक साइंटिफिक कम्युनिटी हो या एक जो जनरल ऑडियंस हो उसे आप रिसर्च वर्क समझा सकते हैं। सो मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आपको एक हमेशा पर्सपेक्टिव ध्यान रखना चाहिए कि पहले लार्जर पर्सपेक्टिव बताया जाए और उसके बाद में उसे नैरो डाउन किया जाए, एंड लेट द ऑडियंस डिसाइड इफ समबडी इज मोर इंटरेस्टेड देन ही और शी वुड आस्क यू इवन फर्दर क्वेश्चंस कि मतलब ये क्या है और वो क्या है, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं। फॉर इंस्टेंसेज, जैसे मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, कोई भी जो हम रिसर्च करते हैं उसका अल्टीमेट गोल तो कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी को फ़ायदा करना ही होता है, तो वो एक तरह से आपका लार्जर पर्सपेक्टिव हो गया। वो भले ही आप बेसिक रिसर्च कर रहे हो या ट्रांसलेशनल अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब ट्रांसलेशनल या अप्लाइड कर रहे हो तब तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, लेकिन बेसिक कर रहे हो तब भी उसका लार्जर पर्पस कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो लार्जर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि पहले आपको स्टार्ट करना है वाई से, कि वाई डू यू डू पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसर्च, वाई डज योर रिसर्च एग्जिस्ट, एंड वाई वुड द वर्ल्ड बी इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च। अगर कुछ उसमें से आउटकम निकल के आता भी है, तो अगर कुछ भी आप उसमें नया करते हैं तो सबसे पहले जो है सवाल का जो आंसर होना चाहिए, ताकि सो दैट द ऑडियंस कुड बी इंट्रीग्ड इन योर रिसर्च क्वेश्चन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये बताएंगे कि बेसिकली पास्ट के अंदर क्या 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 रिसर्च हुई है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या जो है वो अभी भी उसके अंदर रिसर्च गैप है, क्या है जो कि अभी भी उसके अंदर मिसिंग है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे अपने PhD का काम ही एक्सप्लेन करना होगा, तो मैं एक तरह से, मेरे पास में दोनों वर्जन होंगे, एक साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी और एक जनरल ऑडियंस को कम्युनिकेट करने के लिए भी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना PhD का रिसर्च एक्सप्लेन करना होगा, तो मैं बताऊँगा कि जो प्रोटीन जो बनता है हमारे पास में, जितने भी एक अलग अलग तरह से प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, उसमें से ज़्यादातर प्रोटीन बैक्टीरिया से बन रहा होता है, ईकोलाई बैक्टीरिया से, एक जो साइंटिफिक कम्युनिटी को मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो प्रोटीन बनता है उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम यह है कि वो इनसॉल्यूबल एग्रीगेट्स होते हैं, और उससे वापस से सॉल्यूबल और एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोटीन को रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज भी इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं वो या तो प्रोटीन को बहुत अच्छे से सॉल्यूबल कर देते हैं लेकिन उतना एक्टिव नहीं कर पाते, या फिर उसे बहुत अच्छे से एक्टिव कर देते हैं पर सॉल्यूबल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो है मैंने एक ब्रॉडली रिसर्च प्रॉब्लम बताई, और मैंने एक पास्ट बैकग्राउंड दिया कि मैं बेसिकली किस पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे उसी के साथ में क्या एक मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब जो है दूसरा सेगमेंट मेरे कॉन्वर्जेशन का होगा, वो ये कि मैं बता रहूँगा कि यहाँ पे इस चीज़ को टैकल करने के लिए इसमें मेरा क्या एम है, मैं क्या अपना ऑब्जेक्टिव रखता हूँ, या मेरी कहाँ से इसमें जो है हाइपोथेसिस बिल्डअप हुई है, मैं इसके आगे कैसे फर्दर टेक ऑन करने वाला हूँ इस रिसर्च अप्रोच को। तो अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस वजह से यहाँ पे मेरा टारगेट है कि मैं कुछ ऐसा सॉल्यूबलाइजेशन जो है वो फॉर्मुलेशन बनाऊँ जिससे कि प्रोटीन एट द सेम टाइम सॉल्यूबल भी हो और साथ साथ में उसके अंदर एक्टिविटी भी इंटैक्ट रहे, और उसी के अराउंड जो है मैं काम करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे व्हाट को जो है एक्सप्लेन किया, एंड देन जो नेक्स्ट मेरी लाइन होगी उसमें मैं बता रहूँगा कि हाउ डू आई डू इट। तो उसके अंदर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहूँगा कि मैं अलग अलग तरह के इनसॉल्यूबल एग्रीगेट्स लेता हूँ, और उसके अंदर मैं अलग अलग तरह के एक तरह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू मैं ट्राई करता हूँ, उसके अलग अलग pH के ऊपर, अलग अलग सॉल्ट के ऊपर, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर मैं ये ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसॉल्यूबल एग्रीगेट्स सॉल्यूबल फॉर्म में और एक्टिव फॉर्म में इंडस्ट्री के अंदर रिकवर किए जा सकें, जिससे कि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव एक सॉल्यूशन बनकर आ सके। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले वाई, उसके बाद में मैंने नेक्स्ट बताया व्हाट, और उसके बाद में मैंने बताया हाउ। अब उसके बाद में डिपेंड करता है कि अगर आपके रिजल्ट ऑलरेडी आउट हैं, मतलब मान लीजिए पब्लिश हैं, या फिर आप ऑलरेडी कुछ एक तरह से उस लेवल पे पहुँच चुके हैं, तो आप फर्दर बता सकते हैं कि फाइनली हमने ये करके ये कंक्लूड किया कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूबलाइजेशन फॉर्मुलेशन अच्छा काम करता है, जैसा कि मेरे केस के अंदर ऑलरेडी पेपर पब्लिश है तो वो मैंने बता रखा है, या मैं ऐसे बताता हूँ। तो ये आपने 2 मिनट के अंदर एक तरह से एक साइंटिफिक कम्युनिटी में, एक जो मान लीजिए जो आपकी फील्ड का नहीं भी होगा, प्रोटीन फील्ड का नहीं भी होगा, उसको भी ये बात समझ में आएगी कि आपका ब्रॉड इंटरेस्ट क्या है, और आप कैसे आपने इस तरह से नैरो डाउन करके उस रिसर्च को एक्सप्लेन कर दिया। और ये तो हुआ थोड़ा सा टेक्निकल वर्जन जो एक साइंटिफिक कम्युनिटी को समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल जनरल ऑडियंस को समझाना है तो उसका वर्जन भी आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए, क्योंकि जनरल ऑडियंस को इतना कुछ समझ में नहीं आएगा,
कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है और इनएक्टिव प्रोटीन एग्रीगेट्स एंड ऑल दैट। तो बेहतर है कि आप उन्हें आसान भाषा में समझाएं रियल लाइफ एग्जांपल देके। तो अगेन फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, व्हाई फिर व्हाट एंड देन हाउ। तो अब उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, तो जैसे उसका वर्जन भी रेडी है कि कोई भी अगर पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि आपने इंसुलिन का नाम तो सुना होगा, कि सबने सुना होता है। तो इंसुलिन जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो बनता है, उस प्रोटीन के बनने में जो है किस तरह से उसको और सस्ते के अंदर बनाया जा सके, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जा सके, और अच्छे तरीके से वो काम कर सके, मेरा काम उसके ऊपर है। तो ये मैंने बता दिया कि वाई। वैसे जनरल ऑडियंस को जानने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, ना ही वो जानना चाहता है कि आप कैसे और क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। लेकिन वाई वाला पार्ट हर एक को समझ में आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर सामने वाला फर्दर इंटरेस्ट होगा तो फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं उसे, प्रोटीन क्या होता है और कैसे जो है वो इनसॉल्युबल होता है और कैसे इस वजह से वो अच्छे से एक्टिव नहीं होता है एंड ऑल दैट। तो ये मेरा अपना रिसर्च वर्क एक्सप्लेन करने का तरीका है। नेचुरली अब मैं पीएचडी नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, तो अब मैं और भी जो अपने रिसर्च वर्क एक्सप्लेन करता हूँ, पर मुझे ये एक बेसिक फंडा ध्यान रहता है कि हमेशा व्हाई व्हाट एंड हाउ की फॉर्म में कम्युनिकेट किया जाए, और उसी से जो है चीज़ें ढंग से कम्युनिकेट होती हैं, एंड देन द अदर पर्सन सेस क्या बात है सर, ये बात है। और वो जो वाव है या फिर वो जो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसको बात समझ में आई है कि बेसिकली ये काम जो कर रहा है वो काम करने का पर्पस क्या है, और बेसिकली वो जो भी काम होगा उससे उसे इन जनरल क्या फ़ायदा होने वाला है, या फिर साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप ये मत बताएं कि आप तो साहब कोई टेक्निक बताने लगे हैं कि है ना कि हम तो साहब क्रोमेटोग्राफी करते हैं, हम तो वेस्टर्न ब्लॉट करते हैं। ऑफकोर्स आप जब भी पीएचडी करते हैं या जब भी रिसर्च वर्क में होते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निक आप जानते ही हैं, समझते ही हैं, LC-MS वगैरह बहुत सारी ऐसी टेक्निक होगी, एंड इट डजेंट मैटर कि वो कितने करोड़ का इंस्ट्रूमेंट है और कितना आप उसे फ्लॉन्ट करने से कुछ नहीं होगा कि आप इतने करोड़ का इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं और ये बता के जो है सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। सो वॉट इंस्पायर्स द पीपल इज कि आप क्यों कर रहे हैं, और वहाँ से आपको अपना कॉन्वर्सेशन शुरू करना है, और वहाँ से उसके बाद में यू हैव टू लीड देम टू द फैक्ट कि आप बेसिकली कैसे कैसे उसे अचीव करने वाले हैं, या फिर कर चुके हैं तो फाइनली कंक्लूजन क्या है। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो ध्यान रहे कि डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर ओन जनरल ऑडियंस, इंक्लूडिंग योर होम, इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। एट द सेम टाइम ना ही आप साइंटिफिक कम्युनिटी में डोंट लिव इन द डॉगमा कि अगर मैं बहुत ट्रिकी वर्ड यूज़ करूँगा, बहुत ही जार्गन्स यूज़ करूँगा तो आई वुड साउंड रियली इंटेलेक्चुअल और समथिंग लाइक दैट। इट डजेंट वर्क दैट वे। यू हैव टू बी वेरी सिंपल एंड वेरी 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 आर्टिकुलेट इन व्हाई डू यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ डू यू विश टू अचीव इट। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू, एंड आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।